डिसेंबर 2 तारीख ठारो डिसेंबर 8 तारीख पर्यंत माओवादी पीएलजीएल सप्ताह पालन करा दउची। प्रति वर्ष माओवादी माने एही सप्ताह पालन करथवा बेले चलित वर्ष मध्ये माओवादी माने एही सप्ताह पालन करबा पई पूर्वरो बहु चिठी जारी करछती। एही सप्ताह रे माओवादी माने बहु उग्र रूप नेउथिबा बेले एहाकु नै जिला पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण कड़ाकड़ी करा जायछि। तबे बीएसएफ एसओजी ओ डीवीएफ पक्षरु कोम्बिंग ऑपरेशन जोरदार करा जाउथबा बेले एथिपई माओ प्रबण अंचल गुड़िक स्वतंत्र पुलिस बाहिनी मुतयन करा विशेषकर छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमावर्ती और चित्रगंडा ब्लॉक रो स्वाभिमान अंचल दिवस माओवादी संभाव्य हिंसाकांड को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाई। माओ संगठन चलित वर्ष 22तम शहीद सप्ताह पालन करथुवा बेले माओ प्रबण अंचल रे माओवादी माने माओ संगठन आदर्श और आभिमुख्य सह नाचगीत माध्यम रे स्थानीय आदिवासी को माओवादी संगठन ने मिसेबा आकृष्ट करने को प्रयास करथुवा कहा जाउछि। तबे एही सप्ताह रे संभाव्य हिंसा को दृश्य रखी ओडिशा राज्य परिवहन निगम पक्षर विशाखापाटना विजयनगर मोटू कोरापुट भुवनेश्वर ब्रह्मपुर एवं स्वाभिमान अंचल को सरकारी बस को मध्य बंद करने को निष्पत्ति नि जाइछि। देखो ये प्रत वर्ष पर चलित वर्ष माओवादी मैंने दुई रु आठ बंद कर देखते कौन सी भयभत होबार ना ताके कौन सी प्रकार लिखित आकार हो कि फोन रे हो कि कौन सी वार्ता माध्यम जड़े ना क्या को ये जो खबर पाइबा मात्रे सरकार बस जो दिनक पूर्वर बस स्टाण जो ठप कर दौरान मलकानगि तीस रु ऊर्ध सरकार गाड़ी चलत संपूर्ण बंद कर दौरान जहाँफल ये जत्री नाई नथिबा असुविधा होती तो से सब आम आखिया रखिए जिला घर बस आम संघ निष्पत्ति नहीं अल्प मात्रा रे यात्री सुरक्षा सुविधा निम्ते गाड़ी चलने पर सक्षम हो। अनेक स्थान को सरकारी बस बंद जो लोके नाना असुविधार सामना करुवा बेले घर बस चलाचल करुवा घर बस संघर कर्मकर्ता प्रकाश करते। मलकानगिरी सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।